हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग की स्टेप फादर तियांग की शादी युंगी के साथ करवाना चाहता है, वो भी बिजनेस के लिए। लेकिन युंगी जिमिन से प्यार करता है, तियांग से नहीं। तियांग को इस बार में पता चल गया, उसने देख लिया है युंगी और जिमिन को साथ में एक ही बेड पर सोया हुआ था और किस कर रहे थे। उस टाइम पर तियांग को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गया। वो बहुत ही डर गया था। अचानक एक क्या हो गया, युंगी और जिमिन साथ में दोनों इतने क्लोज है, एक दूसरे को किस कर रहे हैं। आखिर युंगी मेरा फियांसे है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसने डैड का भी कोई रिस्पेक्ट नहीं किया। तियांग बुरी तरह से टूट गया था। उसको पहले से पता था कि वो दोनों रिलेशनशिप में है, फिर भी अपनी आंखों से देखने के बाद तियांग पूरी तरह से टूट गए। वो युंगी से प्यार नहीं करता है, लेकिन उसकी शादी उसके साथ होने वाले है। ये जानने के बाद उसी इंसान को किसी और के साथ देखना एक बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने वाली बात है। तियांग की स्टेप फादर तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम इस तरह से घर पर वापस क्यों आ गए? तुम तो युंगी से मिलने के लिए गए थे ना, क्या उसे मिल लिया है क्या? तुम दोनों शादी कब करने वाले हो? तियांग कहता है, वो उससे मिलने के लिए मैं नहीं जा पाया, वो मेरा कुछ काम था तो मैं वापस आ गया। युंगी ने अगर कॉल किया तो उसको कह देना मैं आज मिलने के लिए नहीं जा सकता हूँ। तियांग के स्टेप फादर कहता है, आर यू मैड? तुम्हें आज ही उससे मिलने जाना था और तुम वापस आ गए। तुम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हो और उसी की डेट फिक्स करने वाले थे। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तियांग, तुम्हें बहुत जल्द शादी करना होगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। तियांग कहता है, डैड, लेकिन उसकी डैड कहता है, मैं कोई भी बात नहीं सुनना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे अपना डैड मानते हो तो तुम्हें शादी करना ही होगा, तुम्हारा मॉम भी यही चाहते हैं। क्या तुम अपनी मॉम को खुश नहीं देखना चाहते हो मेरे साथ? तियांग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे तो मिस्टर किम कहता है, मैं और कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ, जाओ अभी, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना है। जितनी जल्दी हो सके इस घर से बाहर निकल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम जब दूर चले जाओगे ना, तभी तुम्हारी मॉम बहुत ही खुश रह पाएंगी। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तियांग अपने रूम में चले आते हैं। तियांग के दिमाग में कुछ चल रहा था। तियांग बोगम को कॉल करता है और कहता है, यार क्या किसी एक्टर को ढूंढ सकता है क्या जो मुझसे शादी करने का एक्टिंग करेगा? मुझे इस शादी से छुटकारा पाना है और किसी और इंसान के साथ शादी की एक्टिंग करते हुए वहाँ से बाहर निकल आना है। उसके बाद जैसे ही मुझे कोई अच्छा सा जॉब मिल जाएगा, मैं अपनी मॉम को भी बाहर निकल ले आऊँगा। मुझे अपने स्टेप फादर और अपने फियांसे के साथ नहीं रहना है। वो युंगी मुझसे प्यार नहीं करता है, वो तो सिर्फ बिजनेस के लिए मुझसे शादी कर रहे हैं। और मेरा डैड मुझे उस घर से बाहर निकलने के लिए युंगी से शादी करवाना चाहता है, ये जानते हुए भी कि वो किसी और से प्यार करता है। वो सब लोग ही बहुत ही घटिया है। बोगम कहता है, क्या तो तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और हाँ ठीक है, मैं अभी कोई ऐसा लड़का ढूंढता हूँ जो तुम्हारे साथ फेक शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तियांग कहता है, थैंक्स यार, तुम्हें कर पाओगे ना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बोगम कहता है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तियांग कहता है, थैंक्स यार, तुम्हें पता ही तो है कब शादी के लिए उस लड़के को भेजना है, मैं तुम्हें डेट फिक्स करके बोल दूँगा। तो बोगम कहता है, हाँ ठीक है, तुम जब भी कहोगे ना वो लड़का पहुँच जाएगा। तियांग कहता है, थैंक्स। उसके बाद जैसे ही युंगी के साथ तियांग की शादी की डेट फिक्स हो जाता है, तियांग के स्टेप फादर बहुत ही खुश थे। तियांग खुश होने का एक्टिंग कर रहा था, वो शादी के लिए तैयार थे। युंगी भी तियांग का इंतज़ार कर रहा था, हमेशा तियांग को युंगी इंतज़ार करवाता है, लेकिन आज तो उल्टा ही हो गया। युंगी 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन तियांग अभी तक नहीं आया। 3 घंटा होने ही वाले हैं, मुहूर्त निकल जाएगा, टाइम रहने से पहले ही तियांग को आना होगा। युंगी बहुत ही गुस्सा हो गए थे, आखिर तियांग क्यों नहीं आ रहे हैं। उसने तियांग को कॉल भी किया, लेकिन तियांग ने कॉल नहीं उठाया। लेकिन बहुत बार कॉल करने के बाद तियांग कॉल रिसीव करता है। युंगी कहता है, क्या हुआ, तुम अभी तक आए क्यों नहीं, क्या टाइम हुआ है, तुम्हें पता भी है? तियांग कहता है,
वो मैं रास्ते में हूँ तो आ रहा हूँ, और वो कॉल कट कर देता है। यंगी कहता है, डैम इट, उसने मेरी बातों को सुने बिना ही कॉल कट कर दिया। तियांग की इंतज़ार कर रहा था। तियांग आ जाते हैं। तियांग को देखकर यंगी खुश हो गया और वो दौड़ कर तियांग को गले लगने के लिए जा ही रहा था। तियांग की हैंड कोई और आकर पकड़ लेता है, क्योंकि यंगी तियांग के सामने आ रहा था। इसलिए जनकुक यंगी की शोल्डर पर हैंड रखकर कहा, हे वो मेरा हस्बैंड है, अब तुम उसको टच नहीं कर सकते हो विदाउट माई परमिशन। यंगी कहता है, क्या आज उसकी और मेरी शादी होने वाला है, तुम कौन हो? वो कोई और नहीं, वो जनकुक है। जनकुक तियांग से कहता है, क्या तुम मेरे हस्बैंड हो या फिर उसके? तियांग कहता है, ऑफकोर्स तुम्हारे। जनकुक कहता है, सुन लिया है ना, अब से तुम मेरे हस्बैंड को टच भी नहीं करोगी, वरना मैं तुम्हारा हैंड तोड़ दूंगा। यंगी डर जाते हैं। जनकुक ने यंगी की शोल्डर को बहुत ही दबो कर रखा था, जिससे उसको पेन हो रहा था। उसकी एनर्जी की और स्ट्रोंगनेस की पता चल गया था यंगी को। यंगी समझ जाते हैं और कहते हैं, देखो तुमने अच्छा नहीं किया है तियांग, तुमने मेरे साथ चीट किया है। तियांग कहता है, चीट? और मैंने कैसे? चीट तो तुमने मुझसे किया है, तुमने जिमिन के साथ इश्क लड़ाने के बाद भी मुझसे शादी करने का फैसला किया। किस लिए? बिजनेस के लिए। आखिर तुम लोग इतने लालची कैसे हो? बिजनेस के और डील को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। आई रियली हेट यू। उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं जनकुक की हैंड पकड़ते हुए। जैसे जनकुक तियांग को अपने साथ अपने मेंशन लेकर आते हैं, तियांग कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मैं किसी होटल में रुक जाऊँगा। जनकुक कहता है, अब तो तुम मेरे हस्बैंड हो, चाहे वो नाटक ही क्यों ना हो, लेकिन हो तो तुम मेरे हस्बैंड, और मैं अपने हस्बैंड को किसी और जगह पर नहीं रुकने दे सकता। तियांग कहता है, तुम शायद भूल रहे हो कि हम दोनों एक्टिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। जनकुक कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हो तो तुम मेरे हस्बैंड, और मैं अपने हस्बैंड को किसी और के साथ नहीं रुकने दे सकता, तुम्हें यहाँ पर ही रहना होगा। तियांग जनकुक के साथ उसी के मेंशन में रुक जाता है। तियांग के पास भी रहने के लिए कोई जगह नहीं था, इसलिए वो जनकुक के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर, वो कोई काम करेगा, पैसा कमाएगा और वो अपना खर्च खुद उठाएगा। जनकुक कहता, हाँ ठीक है, लेकिन अभी के लिए जाकर रेस्ट कर लो, बाद में तुम अपना लिए जॉब ढूंढ लेना। तियांग कहता है, हाँ मैं कल सुबह से ही शुरू कर दूंगा। तो फिर आज रात को वो जाकर जनकुक की बेड पर सो जाता है। जनकुक तियांग से कहता है, गुड नाइट। वो किसी और रूम में जाकर सो जाते हैं। जनकुक को नींद नहीं आ रहा था। यहाँ पर तियांग बहुत ही चैन की नींद सो रहा था, पहली बार उसको इतने अच्छा बेड मिला था सोने के लिए। जनकुक तियांग को चेक करने के लिए उसके रूम में आते हैं। वो देखता है कि तियांग सोया हुआ है, उसको ठंड लग रहा था, उसको चादर से कवर कर देता है। तियांग नींद में ही जनकुक की हैंड को पकड़ लिया, उसकी हैंड को टाइटली पकड़ते हुए सो गए। जनकुक पूरी रात तियांग के सामने ही बैठा रहा। सुबह को जैसे ही तियांग की नींद टूट जाता है, तियांग जनकुक को दूर धकेल देता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जनकुक वो नीचे गिर जाता है और कहता है, तुम पागल हो क्या? तुमने ही मेरे हैंड को टाइटली पकड़ के रखा था। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे? कहे तुम मेरी नींद में मुझे? जनकुक कहता है, आर यू मैड? मैं तो बस तुम्हें चादर ओढ़ने के लिए आया था और तुमने मुझे। तियांग कहता है, हाँ मैं समझ गया, अब जाओ तुम यहाँ से। जनकुक कहता है, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, ये घर मेरा ही है, शायद तुम भूल गए हो। तियांग कहता है, सॉरी, ठीक है मैं ही चला जाता हूँ। जनकुक तियांग की हैंड पकड़ लेता है और कहता है, रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तियांग कहता है, अब क्या हुआ? जनकुक कहता है, मेरा एक बहुत ही पहचाना हुआ शॉप है, वहाँ पर किसी मैनेजर चाहिए जो उस शॉप को संभाल सकता है, और मुझे लगता है तुम वो कर सकते हो, क्या तुम उस जॉब करना चाहोगे? तियांग कहता है, क्या सच में? तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? जनकुक कहता है, बहुत ज़रूरी है उस शॉप के लिए एक मैनेजर, और मुझे लगता है तुम उसके लिए क्वालिफाइड हो, प्लीज़ तुम मना मत करना। तियांग कहता है, मैं तो जॉब ही ढूंढ रहा था, और ये तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है मैं उस शॉप पर काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे क्या करना होगा? जनकुक कहता है,
तैयार हो जाओगे, उसके बाद मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। उसके बाद से तियांग उस पेस्ट्री शॉप पर काम करने लगता है। तियांग बहुत ही अच्छे से मेहनत से काम कर रहा था। उस शॉप के ओनर बहुत ही खुश थे। तियांग को नहीं पता है वो शॉप किसी और का नहीं, वो जनकुक की ही शॉप है। जनकुक ने किसी और से कहकर तियांग को उस जॉब पर रख लिया था। तियांग को सिर्फ इतना पता है कि जनकुक एक एक्टर है और वो कैसे भी एक्टिंग कर सकते हैं। तियांग को ऐसा कुछ एक्टिंग लग रहा था। उसका लग रहा था कि जनकुक उसके साथ जो भी बोलता है, जो भी करता है, वो सिर्फ एक्टिंग है। लेकिन जनकुक सच में तियांग को पसंद करने लग गए थे। जैसे दिन बीतते जा रहा था, जनकुक तियांग के लिए और भी ज़्यादा जेलस और पॉजिटिव फील करना शुरू कर दिया था। जनकुक हर रोज़ अपना शूटिंग ख़त्म करने के बाद तियांग को अपने साथ घर लेकर आता है। आज तियांग को शॉप में बहुत लेट हो गया था। आज तियांग की शॉप पर कुछ काम है, वो इतनी जल्दी घर वापस नहीं जा सकता है। तो फिर जनकुक तियांग का बाहर इंतज़ार करता है। 2 घंटे तक तियांग का इंतज़ार कर रहा था। अचानक बारिश शुरू हो जाता है। जनकुक भीगने लग गए थे। तियांग जैसे शॉप के अंदर से ये देखा ना, वो दौड़ कर जनकुक को अम्ब्रेला लेकर उसको अंदर लेकर जाने के लिए आ गए। जनकुक ने तियांग से कहा, तुम बाहर क्यों आ गए? तुम पहले अपना ख़त्म कर लो काम, उसके बाद हम घर चलते हैं। तियांग ने कहा, तुम हमेशा मुझे लेने के लिए क्यों आते हो? शूटिंग करने के बाद तुम बहुत ही थक जाते हो, तुम यहाँ पर मत आया करो। और तुम यहाँ पर भीग क्यों रहे थे? अगर बीमार पड़ गए तो शूटिंग कैसे करोगे? जनकुक ने कहा, वो शूटिंग तो मैं हमेशा ही करता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। तियांग कहता है, क्या? जनकुक कहता है, कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। तियांग कहता है, सिर्फ 5 मिनट दो, मुझे ये शॉप बंद करने दो, उसके बाद साथ में चलते हैं। तो फिर तियांग और जनकुक घर आ जाते हैं। बारिश में दोनों ही भीग गया था। तियांग जनकुक से कहता है, जल्दी से अपना बाल को सुखा लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगा। तुम शूटिंग कैसे कर पाओगे? जनकुक कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले अपने बाल को सुखा लो। तियांग कहता है, तुम बैठे रहो और मैं जो कहता हूँ वही करो। वो जनकुक के बालों को सुखाने लगता है। जनकुक तियांग को घूरे जा रहा था। दोनों साथ में बहुत ही खुश थे। अचानक जनकुक और तियांग एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। जनकुक तियांग को किस करने के लिए आगे ही बढ़ रहा था। तियांग के फ़ोन पर कॉल आ जाते हैं। जनकुक कहता है, सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तियांग कहता है, क्या? तो जनकुक कहता है, पहले अपना कॉल उठाओ। जनकुक तियांग को कॉल उठाने के लिए बोलते हैं और वो यहाँ से चले जाने लगते हैं। तियांग कॉल रिसीव करता है। तियांग के स्टेप फादर थे। वो उसको गुस्से से कहता है, आखिर तुमने शादी का ढोंग रचाया है और युंगे से शादी नहीं किया। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे मॉम के साथ। तुम्हारे मॉम के साथ मैं इतना बुरा करूँगा ना? तियांग कहता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने अगर शादी का नाटक भी किया है ना, तो इससे आपको क्या? मुझे युंगी से शादी नहीं करना है, और ये बात आप भी जानते हो कि युंगी किसी और से प्यार करता है। तियांग के स्टेप फादर कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें युंगी से शादी करना होगा, वापस आ जाओ। तियांग अपना बैग पैक करने लगते हैं। जनकुक कहता है, क्या हुआ? तुमने अपना बैग पैक करना शुरू क्यों कर दिया? कहाँ जाने वाले हो? तियांग कहता है, हम पकड़े गए, मुझे वापस जाना होगा और युंगी से शादी करना होगा, वरना मॉम के साथ वो आदमी बहुत ही बुरा करने वाला है, मैं उसको जानता हूँ। जनकुक कहता है, तियांग प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, और इस बार नाटक नहीं, सच में मुझसे शादी कर लो। तियांग कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या? ये मजाक करने का टाइम नहीं है। जनकुक तियांग की हैंड पकड़ते हुए घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, तियांग मुझे तुमसे प्यार हो गया है, आई रियली लव यू, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, और इस बार कोई नाटक नहीं, ये सच्चा शादी होगा। तियांग कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? जनकुक कहता है, यस, आई रियली लव यू। तियांग की आंखों पर आंसू आ जाते हैं और कहता है, आई लव यू टू। और वो शब्द तुम्हारा ही है ना? तुम झूठ बोलकर मुझे वहाँ पर काम दिया है, मुझे अच्छी तरह से पता है। तियांग मुस्कुराते हुए कहता है। जनकुक कहता है, अब तुम्हें पता चल ही गया है तो मैं झूठ नहीं कहूँगा। हाँ, वो शॉप मेरा ही है और मैं चाहता हूँ तुम उसकी ज़िम्मेदारी अपने कंधे पर उठाओ, क्योंकि मैं इतने सारे काम एक साथ नहीं कर सकता हूँ। तियांग जनकुक को कहता है, अब खड़े हो जाओ, ऐसे घुटनों पर मत बैठे रहो।
जनकू कहता है, नहीं कुछ देर ऐसे और बैठना पड़ेगा। तियांग कहता है, लेकिन क्यों? जनकुक अपने जेब से एक रिंग निकालता है और तियांग से कहता है, डू यू मैरी मी? तियांग कहता है यस। उसके बाद जनकुक तियांग की रिंग फिंगर पर रिंग पहनाता है, उसकी फिंगर पर किस करता है। तियांग जनकुक की हैंड पकड़ते हुए उसको खड़ा करता है, तो जनकुक ने तियांग को हक कर लिया, उसकी होठों पर किस कर लिया। तियांग जब जनकुक को अपने स्टेप फादर से मिलवाने के लिए लेकर आता है, उसके स्टेप फादर कहता है, तो फिर तुम युंगी से शादी करने के लिए आ ही गए। जनकुक पीछे से कहता है, क्या? वो मेरा हस्बैंड है और वो किसी और से नहीं, मुझसे शादी किया है और मेरे साथ ही रहेगा। उसके स्टेप फादर कहता है, झूठ बोलना बंद करो, तुम दोनों के नाटक मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम दोनों सिर्फ शादी करने का नाटक रचाया है, मुझे अच्छी तरह से पता है। तो फिर जनकुक तियांग और उसकी शादी के कार्ड दिखाता है। उसके बाद तियांग की स्टेप फादर की मुंह बंद हो जाता है। तियांग कहता है, अब से वो आपके साथ नहीं रहेगा, मैं अपनी मॉम को अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ, आप मुझे और धमकी नहीं दे सकते हो। जनकुक कहता है, हाँ तियांग ने सही कहा, अब से तियांग की मॉम हमारे साथ ही रहेगा। मिसेस किम, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस हेवन के साथ नहीं रहने वाले हो। तियांग के मॉम कहता है, मैंने इसे प्यार किया है और उसे शादी किया है, तो इसको मेरी जिम्मेदारी लेने होंगे, मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तियांग के स्टेप फादर कहता है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम मुझे छोड़कर नहीं जाने वाले हो। मिसेस किम कहता है, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो मिस्टर किम अपनी गलती मानता है और माफ़ी मांगता है। मिसेस किम माफ़ कर देता है, तियांग भी माफ़ कर देते हैं। जनकुक तियांग की मॉम से कहता है, हम दोनों को ब्लेस कीजिए ताकि हम दोनों खुश रह सके। मिस्टर किम और मिसेस किम तियांग और जनकुक को ब्लेसिंग देता है। उसके बाद वो दोनों अपने घर आ जाता है। तियांग और जनकुक साथ में बहुत ही खुश थे। जनकुक और तियांग जैसे ही घर वापस आ जाते हैं, जनकुक तियांग को बेडरूम में लेकर जाते हैं और दरवाज़ा पैरों से बंद कर देता है। यहाँ पर तियांग को कंटिन्यूसली किस किए जा रहा था, किस करते करते उसको बेड तक लेकर जाते हैं और तियांग की कपड़ों को उतारने लगते हैं। तियांग भी जनकुक की टी शर्ट को खोल देते हैं। अब जनकुक तियांग को बेड पर पुश कर देता है और उसके ऊपर चले आते हैं और वो दोनों अपने प्यार में खो जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पर ही द एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।